दोस्तों, टीम इंडिया का इस साल बेहद व्यस्त शेड्यूल रहने वाला है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल हारने के बाद टीम इंडिया के सभी खिलाड़ियों को एक महीने के लिए क्रिकेट से आराम दिया गया है। वहीं अगस्त में टीम इंडिया आयरलैंड का दौरा करेगी, जहां टीम इंडिया आयरन के खिलाफ 3 मैचों की 2020 सीरीज खेलेगी। यही वो सीरीज होगी जब आईपीएल में अपने प्रदर्शन से सबको प्रभावित करने वाले कुछ युवा प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को टीम इंडिया की तरफ से खेलने का मौका मिलेगा। बीसीसीआई ने उन्हीं खिलाड़ियों को इस सीरीज के लिए चुना है। इस दौरे के लिए भारत की सी टीम खेलती हुई दिखेंगी। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको उन्हीं खिलाड़ियों के बारे में जानकारी देने वाले हैं, और जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। दोस्तों, भारत इस बार एक दिवसीय विश्व कप की मेजबानी करने जा रहा है। 12 साल बाद भारत क्रिकेट जगत के सबसे प्रतिष्ठित टूर्नामेंट की मेजबानी करेगा। उसी की तैयारियों के मद्देनजर बीसीसीआई खिलाड़ियों की फिटनेस पर काफी नजर रख रही है। ऐसे में विराट कोहली, रोहित शर्मा, मोहम्मद शमी और रविंद्र जडेजा जैसे खिलाड़ियों को इन दौरों पर आराम दिया जाएगा, ताकि वो पूरी तरह फिट रहे। यशस्वी जायसवाल, जितेश शर्मा और ऋतुराज गायकवाड़, ये वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने अपने शानदार खेल के माध्यम से भारतीय टीम में वापसी के लिए जोरदार दस्तक दी है। ऐसे में जब टीम इंडिया आयरलैंड के दौरे पर जाएगी तो यही खिलाड़ी टीम इंडिया का प्रतिनिधित्व करते हुए दिखाई देंगे। वहीं आईपीएल के सीजन में शानदार प्रदर्शन करने वाले विजय शंकर की टीम इंडिया में वापसी होते हुए देखा जा सकता है। आयरलैंड के खिलाफ होने वाले इस सीरीज में टीम इंडिया की तरफ से पृथ्वी शॉ कप्तानी करते हुए दिखेंगे। ऋतुराज गायकवाड़ और जायसवाल ओपनिंग करेंगे, वहीं जीतेश शर्मा विकेट कीपिंग करते हुए दिखेंगे। इनके अलावा इस सीरीज में आपको ध्रुव जुरेल, रिंकू सिंह, तिलक वर्मा, मयंक डागर, विजय शंकर, कुमार कार्तिकेय, अर्जुन तेंदुलकर, यश ठाकुर, आकाश मधवाल, तुषार देशपांडे और मोहसिन खान खेलते हुए नजर आएंगे। बाकी दोस्तों, आप इस सीरीज में इन 15 खिलाड़ियों के अलावा किस खिलाड़ी को देखना चाहोगे? कमेंट में अपनी राय जरूर दें।